हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी टैरो 313। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं आप लोगों के जो पार्टनर्स हैं उनके सीक्रेटिव फीलिंग्स क्या हैं आप लोगों के लिए। करंटली उनके सीक्रेट फीलिंग्स इमोशंस क्या हैं, चाहे आप कॉन्टैक्ट में हैं चाहे आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, रीडिंग सबके लिए ओपन है। सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। सो आपने जनरल रीडिंग की तरह ही देखना है इसको, ओके। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, एंड ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि कोई भी रीडिंग आप मिस ना कर सकें। जो लोग पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं वो मेरे ईमेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में ईच एंड एवरी डिटेल मैंशन है, प्लीज़ चेक इट आउट एंड मस्ट फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम टू, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपने पर्सन पर फोकस करिए, ओके। सो देखेंगे कि वो आपके लिए सीक्रेटिवली कैसा फील कर रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं। चाहे आप लोग का कुछ भी सिचुएशन चल रहा है, रीडिंग सबके लिए ओपन है। अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो सीक्रेटली आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। या आपका कोई एक्स भी हो सकता है, करंट पर्सन, करंट लवर, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपके फियांसी, इट कुड बी एनीवन। बट याद रहे ये क्रश की रीडिंग नहीं है, ठीक है। क्रश के लिए सेपरेटली मेरा जो अदर चैनल है, उधर दूसरे चैनल पर मैं रीडिंग अपलोड करती हूँ डेली क्रश को लेकर, कि क्रश की फीलिंग्स और इस तरह के टॉपिक डिफरेंट होते हैं वहाँ पे, ओके। सो फोकस करिए अपने पर्सन पे जिनके बारे में आप जानना चाहते हो कि उनकी सीक्रेट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, सीक्रेटिवली कैसा फील कर रहे हैं वो आपके लिए। वीडियो को लाइक करें ताकि एनर्जी आपसे रेजोनेट हो सके। सो लेट्स सी, फर्स्ट वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है। नंबर टू काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है गाइस मुझे आप लोगों के लिए, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी अगेन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, पेंटिकल्स की बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे आ रही है। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एनर्जी। या तो आप दोनों टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकते हो, यहाँ पे ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है। इट्स अ नाइन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। बॉटम ऑफ द रैक है हमारे पास फाइव ऑफ कप्स। डेफिनेटली कुछ लोगों का यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है। जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट है, आपके पार्टनर्स, डेफिनेटली इस टाइम काफ़ी ज़्यादा सैड हैं। उनको आपको छोड़ने का गिल्ट है, आपके साथ ब्रेकअप करने का गिल्ट है इस टाइम। आपके साथ जो भी पास्ट में इन्होंने टाइम स्पेंड किया था, या पास्ट में आपका जैसा भी कनेक्शन रहा था, एक दूसरे से काफ़ी क्लोज भी थे आप, तो ये पर्सन उस टाइम को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। इन्होंने आपको छोड़ा है तो उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा गिल्ट है इनको। इस पर्सन की एज 25-29 हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है 25-29। कुछ लोगों के लिए मुझे 295 डेट ऑफ बर्थ एंड लाइफ पाथ नंबर दिख रहे हैं आपके या आपके इन पर्सन के। तो सीक्रेटली बेसिकली गाइस, ये पर्सन इस टाइम काफ़ी ज़्यादा गिल्ट वाली एनर्जी में दिख रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे लोगों का मुझे यहाँ पे दिख रहा है बातचीत नहीं है, या लाइक नो कॉन्टैक्ट है, ब्लॉक सिचुएशन चल रहा है, ब्रेकअप हो चुका है। और ये जो आपके पर्सन है इस टाइम सीक्रेटली आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल तो हो रहे हैं, लेकिन इनको आपको छोड़ने का काफ़ी गिल्ट है, काफ़ी रिग्रेट है। ये पर्सन अपने पास्ट में टोटली पास्ट पे डिपेंड होकर बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। राइट नाउ प्रेजेंट में ये पर्सन की एनर्जी है ही नहीं कहीं पर भी इन्वॉल्व। ये पर्सन पास्ट में इतना ज़्यादा गाइस, ये पर्सन अपने आप को इसने मतलब उस चीज़ में फोकस कर दिया है कि ये पर्सन इतने ज़्यादा गिल्ट और लाइक एक डिप्रेशन, एक रिग्रेट वाली एनर्जी में है कि प्रेजेंट वाली कोई चीज़ इसके पास है भी है तो ये उसको फील ही नहीं कर पा रहा। प्रेजेंट में कोई चीज़ इस पर्सन को खुश कर ही नहीं पा रही, ऐसी एनर्जी दिख रही है। बिकॉज राइट नाउ ये बहुत ही ज़्यादा जगलिंग वाली सिचुएशन में है, बिकॉज आपका फर्स्ट कार्ड हमारे पास टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। दिस पर्सन इज जगलिंग बिटवीन टू थिंग्स, चाहे वो एक तरफ आप हो सकते हो या फिर एक तरफ इस पर्सन का काम हो सकता है, या मुझे ये एनर्जी दिख रही है। या फिर कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है कि ये पर्सन ने पास्ट में आपके रिलेशनशिप, आपके लव कनेक्शन और अपने फाइनेंसेस में, अपने जॉब में, अपने करियर में बैलेंस नहीं कर पाया, ठीक है। इस पर्सन की प्रायोरिटीज लाइक दो थी लेकिन उन्हें बैलेंस नहीं कर पाए और उसी वजह से इस पर्सन को रिग्रेट हो रहा है। शायद ये पर्सन जगलिंग कर रहा था, इम्बैलेंस हो रहा था, आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे, आप हो सकते हैं इनसे काफ़ी ज़्यादा टाइम मांग रहे थे, तो मुझे नहीं लग रहा कि ये पर्सन आपको टाइम दे रहा था और दैट्स वाई इन्होंने आपको छोड़ दिया। बट राइट नाउ ये पर्सन उसी वजह से काफ़ी गिल्ट है, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है।
ये पर्सन इस टाइम काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को लेकर देख रहे हैं कि आप लोग अपनी लाइफ में काफ़ी खुश हो। यू गाइज आर टोटली इंडिपेंडेंट राइट नाउ, आप सेल्फ केयर कर रहे हो, सेल्फ ग्रूमिंग कर रहे हो, आप लोग अपनी लाइफ में बहुत खुश हो। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो कि आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो चुके हो। आप बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग नर्चरिंग तो थे इस पर्सन को लेकर, बट जब से इस पर्सन ने आपको छोड़ा है तब से आप लोगों ने अपने करियर को लेकर ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दिया। आप इंडिपेंडेंट हो चुके हो जिसकी वजह से इस पर्सन को ज़्यादा गिल्ट हो रहा है आपको छोड़ने का। ये सीक्रेटली भी सब कुछ इन्होंने किया हुआ है, मतलब अपनी फीलिंग्स सीक्रेटली भी रखी हुई हैं लेकिन आपको बता नहीं रहे। मे बी दिस पर्सन फील्स कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, आप लोग काफ़ी ज़्यादा गुड कुक हो सकते हो, ठीक है, आपकी कुकिंग काफ़ी अच्छी हो सकती है, या फिर आप लोगों ने हो सकता है कुकिंग की कोई डिग्री ले ली है, मुझे ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। बट यू गाइज आर लाइक मतलब हो सकता है कुछ लोग आप अपना या तो आपने रेस्टोरेंट बना लिया है या फिर आप लोग यहाँ पे कोई आपने ऐसी डिग्री ले ली है स्पेशली कुकिंग को लेकर कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो गए अपनी लाइफ में। यस, बट इनको यहाँ पे इनकी फीलिंग्स यही आ रही है कि इनको लगता है ये पर्सन आपको छोड़ के काफ़ी दुख में है, काफ़ी गिल्ट में है, काफ़ी अपसेट डिप्रेस्ड एनर्जी में है, लेकिन आप लोग काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में खुश हो, आप लोग चिल कर रहे हो, आप लोग अपनी लाइफ में टोटली इंजॉय कर रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो, यू नो आप लोग शॉपिंग कर रहे हो, आप होटलिंग कर रहे हो, आप लोग अपनी लाइफ में चिल कर रहे हो, मतलब कोई परवाह नहीं है आपको इस पर्सन की। लेकिन इस पर्सन को आपकी उतनी ही परवाह हो रही है जितना आप इसकी कोई परवाह नहीं कर रहे। और बहुत अच्छी एनर्जी है जो यहाँ पे आप लोग इंडिपेंडेंट एनर्जी में हो, बिकॉज दिस पर्सन फील्स यू गाइज आर अ वेरी वेल्थी लग्जूरियस अबंडेंट पर्सन राइट नाउ। आप लोगों का सारा फोकस या तो अपने करियर को लेकर है, यहाँ पे अगर आप स्टडी कर रहे हो तो उसमें आप लोग बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो, आपने अपना सारा जो टाइम है वो अपने स्टडी को या अपने करियर को देना स्टार्ट कर दिया, वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपने आप को इंस्टेड ऑफ दिस सो कॉल्ड लव। लेकिन ये जो भी है ना, इसको काफ़ी ज़्यादा गाइस डिप्रेस्ड इस टाइम हो रहा है ये पर्सन। हो सकता है यहाँ तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग कर रहा है, मुझे ये एनर्जी भी दिख रही है, बार्स वगैरह में जा रहा है या क्लब वगैरह में जा रहा है वहाँ पे ताकि आपकी यादों को मिटा सके, बट ऐसा नहीं हो पा रहा, ये पर्सन नहीं आपको बुला पा रहा। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन आपको भूल गया तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपकी सोचों से नहीं निकल पा रहा। आपको बुलाने के लिए अपने माजी में जो भी इस पर्सन ने किया है आप लोगों के साथ बुरा, या जिस तरह का कोई गिल्ट है, रिग्रेट है, उस वजह से उस चीज़ों से निकलने के लिए ये जाते हैं बार में, क्लब में, लेकिन बुला नहीं पा रहा। ये इसने बहुत कोशिश की है मुझे लग रहा है यहाँ पे, या ये एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है इस पर्सन की तरफ से, इसे नहीं हो पा रहा, बुलाया नहीं जा रहा आपको। कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो टॉरस फिर कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी मोर, इस टाइम इनकी लाइफ आउट ऑफ बैलेंस गई हुई है गाइस, ना तो पास में इसकी लाइफ में कोई बैलेंस था ना ही अभी कोई बैलेंस। ये पर्सन का दिल ही नहीं लग रहा, ना तो अपने काम में दिल लग रहा है ना ही अपनी जिंदगी में दिल लग रहा है इस पर्सन का। गिल्ट अंदर ही अंदर जो है ना वो इस पर्सन को बहुत ही ज्यादा पेन दे रहा है। देन वी हैव को क्रिएट, यस ये आपके साथ दोबारा से कनेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं इस टाइम। नंबर 4 इम्पोर्टेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, 40 भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। या ये क्रिएट करना चाहते हैं दोबारा से, दैट्स वाई ये सोच रहा है, क्योंकि इस पर्सन में ना शायद कॉन्फिडेंस इतना नहीं है या फिर इतनी पावर नहीं है, इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि ये अभी कुछ एक्शन ले सकें, बिकॉज दिस पर्सन फील्स आप लोगों की तरफ से शायद आप पहले से ज़्यादा समझदार हो चुके हो, आप में नॉलेज विस्टम आ चुकी है, ये आपको मैसेज करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रही कि क्या मैसेज करें, कैसे मैसेज करें, क्योंकि इनको पता है गाइस कि आप इतना फोकस हो अपने आप के ऊपर, या पास में इसने ऐसा किया है कि ये पर्सन को इस बारे में भी श्योरिटी है कि आप इसके मैसेज का रिस्पॉन्ड नहीं करोगे। गिल्टी फील कर रहा है ये पर्सन। नंबर 15 इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, नंबर 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये पर्सन कोई खास मैसेज करना चाहता है आपको, बट समझ नहीं आ रही कि कैसे, क्या मैसेज क्या करिए ऐसा कि आप इस पर्सन को मैसेज का आंसर कर सको यहाँ पे। दिस इज द सिचुएशन, ठीक है, बट आई एम क्लियरली सी कि ये पर्सन आपको मैसेज करना चाहता है। या लेट्स सी मोर, ऐसा लग रहा है रात को भी ये पर्सन बहुत ज्यादा लाइक लेट नाइट थिंकिंग करता है आप लोगों को लेकर, इसको लग रहा है आप लोग इस टाइम टोटली अपनी पावर में हो, इस टाइम सारा होल्ड सब सिचुएशन का आपके अपने हाथ में है,
आप चाहोगे तो ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं. देन वी हैव फिश, 34 एज, नंबर 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है. फिश की एनर्जी है कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो. पाइसिस मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है. इस पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर के से, क्यू, क्यू या के से स्टार्ट हो सकता है. ठीक है, तो फिश की एनर्जी है, डेफिनेटली इनको लगता है कि आप काफी ज्यादा अबंडेंट हो. आपने हो सकता है कॉमर्स की डिग्री ली है या फिर आप लोगों ने बिजनेस की डिग्री ली है, जिसकी वजह से आप लोग इस टाइम काफी ज्यादा फाइनेंशली वेल्थी हो चुके हो. आपके फाइनेंसिस करियर में काफी ज्यादा अबंडेंस आ चुकी है. लाइक आपने किसी ना किसी तरह से की पर्सन आपको आपके करियर में आगे बढ़ता हुआ देख रहा है, इसी वजह से ये गिल्ट हो रहा है. बिकॉज कोई भी इंसान जो आपको छोड़ के गया उसको गिल्टी फील करवाना या फिर उसको रिग्रेट इसी सूरत में होगा कि आप लोग अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर लो. यस, आप अपने आप को उस लेवल पे, उस स्टेटस पे लेकर जाओ, अपना स्टैंडर्ड वो बनाओ कि ये पर्सन को आपको खोने का तभी पछतावा होगा जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे. वट एवर यू आर, मेल और फीमेल, स्पेशली इफ यू आर फीमेल, इंडिपेंडेंट होगे ये पर्सन को ज्यादा गिल्ट होगा. और यही ये चीज ये पर्सन देख रहा है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में काफी कुछ आपने गेन किया है. मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोगों के पास फाइनेंसिस या कॉमर्स की डिग्री है, बिजनेस की कोई डिग्री है, लाइक एम कॉम, एम बी ए, BBA. एंड दिस पर्सन ऑल्सो फील कि आप काफी ज्यादा गुड लक हो, लाइक आपकी किस्मत आपके साथ है इस टाइम. देन वी हैव मैन, 28 इस पर्सन की एज, डेट ऑफ बर्थ आपकी भी हो सकती है, 8+2 10 10 भी इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 इंपॉर्टेंट है. यस, इस टाइम ये पर्सन डेफिनेटली गाइज आप लोगों की लाइफ में एक मेन पर्सन बनना चाहता है, चाहे ये मेल है या फीमेल है. हम एनर्जीज की बात कर रहे हैं. इस पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर ए से भी स्टार्ट हो सकता है. कुछ लोगों की तरफ से मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, मे बी दिस पर्सन इज बिलोंगिंग टू अ खान फैमिली. खान जो होते हैं, खान, या बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे आई है तो मैंने आपको बता दी है. हो सकता है इस पर्सन के अपने नेम का शॉर्ट जो एक इसने रखा हुआ है अपने नेम की फॉर्म, ए के, ऐसे कुछ हो सकता है. बट ये जो भी इंसान है ना गाइज, आपकी लाइफ में आपसे डेफिनेटली मेन पर्सन बनना चाहता है. दिस पर्सन रियली वांना मेक यू देयर वाइफ, स्पेशली अगर ये मेल है और आप फीमेल हो तो ये पर्सन बहुत ज्यादा आप लोगों को लेकर अट्रैक्शन फील कर रहा है आपकी तरफ, और आपकी लाइफ में आपसे शादी करना चाहता है ये पर्सन. यस, यहाँ पे ये एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत क्लियर आ रही है. ये दोबारा से क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ कनेक्शन, एंड कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज करना चाहता है ये पर्सन आपको. वी हैव 23 कोर्ट हाउस. या तो ये पर्सन खुद लॉयर जज हो सकता है या फिर आपके पास कोई ना कोई लॉयर जज की डिग्री हो सकती है, लॉ की, MBBS की भी हो सकती है, एंड यहाँ पे आपके पास लॉ की डिग्री है. लॉ की डिग्री यहाँ पे हो सकती है गाइज, लाइक LLB, मुझे भूल गया था. डेफिनेटली ये इंसान का माइंड काम नहीं कर रहा गाइज, इतना ज्यादा ये डिप्रेस्ड है मेंटली कि इसके ऊपर एक बुरा टाइम चल रहा है. जब बैलेंस ही नहीं किसी चीज में चल रहा, इम्बैलेंस सब कुछ चल रहा है, जगलिंग यहाँ पे चल रही है, समझ नहीं आ रही क्या करे, तो माइंड टोटली स्टक हो चुका है. और वैसे भी जब किसी इंसान की लाइफ में बैड टाइम चल रहा होता है ना, तो आपका जो दिमाग होता है वो काम करना बंद कर देता है. तो कोर्ट हाउस की एनर्जी है, या तो गाइस आप लोगों का हस्बैंड या वाइफ हो सकता है जिनके साथ आपका कोई ना कोई इशू चल रहा है, या फिर ये पर्सन ऑलरेडी खुद किसी ना किसी ऑलरेडी मैरिड हो सकता है, जिसकी वजह से इनका कोई ना कोई हाउस कोर्ट हाउस केस चल रहा है. या तो ये पर्सन कहीं से एंडिंग कर रहा है अपने किसी कनेक्शन की, जिस वजह से ये काफी ज्यादा डिप्रेस्ड है, या तो कोई ना कोई कोर्ट हाउस का केस चल रहा है इस पर्सन का. 23 इनकी अपनी एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 2+3 5, नंबर 5 भी काफी इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पे. 36 एज, नंबर 9 काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी नंबर 9 है. 9 9 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए नंबर. डिस्टेंस हॉरिजोन, यस, आप लोगों के दरमियान डिस्टेंस है, तो ये पर्सन चाह रहा है किसी तरह से आपका डिस्टेंस जो है वो खत्म हो. अगर ये पर्सन ने आपको छोड़ के किसी और से शादी कर ली थी, या फिर ऐसा इंसान है जो किसी और से मैरिड है, तो ये पर्सन वहां से डिवोर्स चाहता है, वहां से एंडिंग करना चाहता है अपने कनेक्शन को. और आपके और इनके दरमियान जिस तरह का भी कोई डिस्टेंस है, ये पर्सन उसको खत्म करना चाहता है.
ये नहीं ज्यादा दूर रह पा रहा गाइज आप लोगों से, दैट्स वाई ये आपसे शादी करना चाहता है। जो भी इंसान है आपसे शादी करना चाहता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। दिस पर्सन रियली वांट टू मैरी यू। कुछ लोगों की 20+, 30+, 40+ एज दिख रही है मुझे यहाँ पे। वी हैव पुश थ्रू एन इनसिक्योरिटी। यस, इस टाइम ये पर्सन अपनी लाइफ में काफी ज्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं और अपने आप को उस इनसिक्योरिटी से पुश करके बाहर निकालना चाहता है। कैंसर इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है, यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है। ऑब्वियसली यहाँ पे फुल मून की एनर्जी जो है वो चल रही है, तो ये पर्सन काफी ज्यादा सीक्रेटिवली स्ट्रॉन्ग आपके लिए फील कर रहे हैं और इनको डेफिनेटली काफी ज्यादा इनसिक्योरिटीज अपनी लाइफ में काफी चल रही है, जहां से ये पर्सन अपनी इनसिक्योरिटी को पुश करके बाहर निकाल रहे हैं अपने आप को। बट कुछ लोगों की तरफ से मुझे ऐसा भी दिख रहा है, शायद आप लोगों का और इनका, इनके दरमियान काफी ट्रस्ट इश्यूज भी थे। ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन में जाने से या फिर शादी करने से काफी इनसिक्योर था कि पता नहीं आगे चल भी पाएगी आपकी मैरिज या नहीं चल पाएगी। दैट्स वाई इसने आपसे नहीं की शादी, किसी और को चूज कर लिया। ठीक है, तो ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है, बट यही इनसिक्योरिटी से ये पर्सन इस टाइम बाहर आ रहा है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये आपके बिना नहीं रह पा रहा। चाहे ये पर्सन मैरिड है किसी और से, चाहे ये पर्सन सिंगल है। देन वी हैव मेक टाइम फॉर सेल्फ लव। या दिस पर्सन फील्स कि आप लोग अपने आप का इतना सेल्फ लव कर रहे हो, इतना ख्याल रख रहे हो, तो इस पर्सन को भी अपना ख्याल रखना चाहिए। तो ये किसी ना किसी तरह से अपनी इनसिक्योरिटीज से बाहर आने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है, आपको बुलाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है, पास्ट को बुलाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं हो पा रहा, क्योंकि इस पर्सन ये अपना सेल्फ लव करना चाहता है, अपने आप में इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन ये चीज़ें नहीं हो रही क्योंकि गिल्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइस, दैट्स वाई। एंड गो फॉर इट, यस, ये आपकी तरफ आना चाहता है क्योंकि इसको पता है कि जब तक ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आएगा तब तक इसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चलेगा। ये पर्सन टेंशन से बाहर ही नहीं आएगा। यहाँ पे गिल्ट और रिग्रेट की एनर्जी बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग है, यहाँ पे बहुत ज्यादा विजिबल एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। इनको लग रहा है आप इनको छोड़ के, या इन्होंने जैसे भी आपसे ब्रेकअप किया, आप लोग अपनी लाइफ को दोबारा क्रिएट कर चुके हो, आप लोगों ने अपने आप को स्टेबल कर लिया है इस डिप्रेशन से, इस एंजाइटी से, इस पेन से, हार्ट टेक की एनर्जी से, ब्रेकअप से आप बाहर आ चुके हो, लाइफ में ग्रो कर रहे हो, लेकिन ये नहीं आ पा रहे। ऑब्वियसली जिस इंसान ने बुरा किया होता है या जिस इंसान ने गलत किया होता है उसको रिग्रेट होता है, वो उस चीज़ से बाहर कैसे आएगा, क्योंकि उसको तो विद टाइम जो है वो ज़्यादा रियलाइजेशन हो रही है ना अपनी गलती की, तो वही हो रही है इस पर्सन को। यस, पहले ये पर्सन फील कर रहा है कि पहले तो आप इस पर्सन को लेकर काफी ज्यादा इनसिक्योर थे, बट अभी आप लोगों ने अपने उस इनसिक्योरिटी से अपने आप को बाहर निकाला और अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो। दैट्स वाई आप लोग अपने आप से प्यार कर रहे हो इस टाइम। इस पर्सन से ज्यादा आपको अपने आप पे फोकस है, अपने आप से लव है, दैट्स वाई ये रिग्रेट हो रहा है इसको, क्योंकि आपने पास्ट में इस पर्सन में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया, इस पर्सन को बहुत केयर दी है, बहुत लव दी है, बहुत अफेक्शन दी है, बट अभी ये पर्सन देख रहा है कि यू गाइज आर बिकमिंग अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो आप लोग, और ये इसी पर्सन ने ही आप लोगों के साथ ऐसा किया जिसकी वजह से आप में इतना चेंज आया। आप बहुत ज्यादा डिस्टेंस में चले गए इस पर्सन से। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है, फिर भी देख लेते हैं आपको किस चीज को फोकस करने की जरूरत है यहाँ पे। वी हैव रिवील व्हाट नीड्स टू बी सीन। सो डेफिनेटली अगर आप कुछ ऐसा वेट कर रहे हो कि कोई चीज आपके सामने रिवील हो जो आप देखना चाहते हो, तो यहाँ पे बहुत जल्दी आप लोगों के सामने वो चीज़ें रिवील होंगी जो आपको देखने की ज़रूरत है। अगर आपको किसी चीज़ को लेकर इस टाइम कन्फ्यूजन भी है, आपको चीज़ें ब्लर दिख रही हैं, ठीक है, क्लैरिटी नहीं है, तो बहुत जल्द आप लोगों के सामने वो चीज़ें रिवील होंगी गाइस जो आपको देखने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है ओपन अप टू चेंज। यस, आप अपने आप को ओपन रखिए चेंज के लिए, क्योंकि चेंज जो हेल्थी चेंज है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपको अपनी लाइफ में लेकर आना। और वैसे भी इट्स अ यूनिवर्सल लॉ कि अगर आप अपनी लाइफ में अपग्रेड करना चाहते हो खुद को, तो आपको चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और ऑलवेज ओपन अप टू द चेंज फॉर अ बेटर चेंज। ओके, सो दिस इज योर रीडिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।